Hello, dear learners. This is day 28 of our English speaking course, and today we'll be learning about the miscellaneous uses. Use of it and that. So, you can practice. The basic concept of learning English is that you need to practice. You need to speak. You need to just revise. So, you can pause the video and you can revise. वह कौन है, हु इज दैट, और हु इज सी, और हु इज ही, इट्स माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, यह ठीक उत्तर नहीं है. इट वॉज नॉट द करेक्ट आंसर. वह पुस्तक तुम्हारी है, दिस इज योर बुक एंड दैट इज माइन. वहां कौन है, हु इज देयर, मैं हूं, इट्स मी. क्या मुझसे ही मिलना चाहते हैं, Is it me you want to see me? Is it me you want to see? क्या आप मुझे ही बुला रही हैं? Is it me you are calling? उसके जीवन का वह सबसे बड़ा खुशी का दिन है. It was the happiest day of her life. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It does not make any difference. इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. इट डज नॉट मैटर टू मी. 4 बजे हैं, इट्स 4 o'clock. क्या आप मुझे एक पेन या एक पेंसिल देंगे, विल यू प्लीज गिव मी आइदर अ पेन और अ पेंसिल. दोनों उत्तर ठीक है, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. यह ना तो अध्यापिका है ना ही छात्रा. शी इज नेदर अ टीचर नोर अ स्टूडेंट. दोनों कैदियों में से कोई अपराधी नहीं है. None of two prisoner is guilty. कक्षा में बहुत से लड़के हैं. There are many students in the class. So you can pause the video and practice this all. That's all for this day 28.